हमें उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से रंगों से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग थ्री क्लास, आई होप यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। थ्री क्लास, आज जो हमने टॉपिक करना है वो है वर्ड्स ऑपोजिट्स एंड वर्ड्स सिनोनिम्स। ठीक है, वर्ड्स ऑपोजिट्स का जो टेक्स्ट बुक पे टॉपिक है वो है पेज नंबर 82 और वर्कबुक पे पेज नंबर 46 है। तो पेज नंबर वर्कबुक पेज नंबर 46 के ऊपर ही थ्री क्लास वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं और 47 पे वर्ड्स सिनोनिम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वर्ड्स ऑपोजिट्स टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे हैं और वर्ड्स सिनोनिम्स यहाँ पे हैं, और वर्कबुक पे वर्ड्स ऑपोजिट्स यहाँ पे हैं और वर्ड्स सिनोनिम्स यहाँ पे हैं। ओके थ्री क्लास, तो वर्ड्स ऑपोजिट्स क्या होते हैं? उर्दू में हम इन्हें अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं और इन्हें उर्दू में अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं, या वर्ड्स मीनिंग्स भी इन्हें बोला जाता है, वर्ड का मीनिंग जो होता है। ठीक क्लास, हमारे पास एक वर्ड है अगर डेथ, तो डेथ का उल्टा क्या होगा? मौत है तो उल्टा इसका जिंदगी होगा ना, लाइफ, या लाइफ अगर आ जाता है तो उसका उल्टा क्या होगा? डेथ। अगर हमारे पास है बिग तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्मॉल। अगर हमारे पास है वाइट, एक वर्ड है वाइट, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ब्लैक। इसी तरह अगर हम इस पेज पर से देख लें, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है जॉय, खुशियाँ, तो जॉय खुशी, जॉय का जो ऑपोजिट होगा वो होगा सोरो, गमी। ओके, अगर आ जाता है काइंड, काइंड होता है मेहरबान, तो क्रूल, क्रूल में जालिम। ओके, अगर आ जाता है हमारे पास एक वर्ड अनलॉक, अनलॉक मतलब किस जो बगैर लॉक की होती है चीज, तो उसका वर्ड क्या होगा? लॉक्ड, या लॉक, अनलॉक्ड, लॉक्ड। अगर हम वर्कबुक से देख लेते हैं एक वर्ड, हमारे पास है वर्ड वॉक, अवेक की सेकंड फॉर्म होती है वॉक, वेक, वेक की सेकंड फॉर्म वॉक, वॉक मीन जागा, तो वॉक का ऑपोजिट क्या होगा? स्लीप मीन स्लेप्ट, स्लेप्ट। वेक अगर आ जाता तो उसकी हमने ऑपोजिट लिखना था स्लीप, और अगर हमारे पास आ गया वॉक तो इसके हमने ऑपोजिट क्या लिख देना है? स्लेप्ट, सोया। ओके, अगर हमारे पास आ जाता है माइग्रेट, तो उसका उल्ट क्या होगा? माइग्रेट, माइग्रेट, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इमिग्रेट। ओके, हिजरत कर जाना। ओके, अब आ जाते हैं वर्ड सिनोनिम्स की तरफ। थ्री क्लास, अपीयर डिसअपीयर भी हो जाता है, अपीयर जाहिर होना, डिसअपीयर गायब हो जाना। इसी तरह अगर हम आ जाएं वर्ड्स सिनोनिम्स के ऊपर, पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 पे है पार्ट ए, तो लेट्स लर्न ग्रामर में पार्ट ए है। अगर आ जाए बिलीव, हमारा यकीन होता है, हमारी सोच होती है, पुख्ता इरादा, बी एल आई ई वी ई, बिलीव है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? थॉट, सोच, हमारी सोच, हमारा अकीदा। अगर आ जाता है हमारे पास लॉकअप, कोई चीज लॉकअप में होना, जैसा कि कोई कैदी है लॉकअप में, तो इम्प्रिजन आ जाएगा इसका मतलब, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन का मतलब भी कैद होता है। ओके, अगर लॉक्ड अप आता है यहाँ पे, तो उधर हम लिखेंगे इम्प्रिजन्ड। अगर हमारे पास आ जाता है एक वर्ड डिसअपियर, डिसअपियर मीन गायब होना, तो डिसअपियर का मीनिंग हम लिखेंगे, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? मीनिंग, ऑपोजिट मीन उसका उल्ट, तो सिनोनिम में हम डिसअपियर का मीनिंग क्या लिखेंगे? वैनिश, गायब हो जाना। अगर हमारे पास एक वर्ड है गैदर्ड, गैदर्ड मीन इकट्ठे होना या इकट्ठे हुआ, इकट्ठा, गैदर्ड, इकट्ठा किया, तो आ जाएगा यहाँ पे इसका मीनिंग कलेक्टेड, इकट्ठा कर लेना, कलेक्ट कर ले। ओके, अगर हमारे पास आ जाता है वर्ड एक अलाउड, इजाजत देना, तो हम इधर लिख देते हैं इजाजत, परमिशन को भी कहते हैं, तो हम इधर लिख देते हैं परमिटेड। ओके, तो थ्री क्लास, ये हमारे कुछ
वर्ड्स ऑपोजिट्स और वर्ड्स सिनोनिम्स थे, मैंने सारे सारे तो नहीं करवाए क्योंकि ये आपके पास रिटर्न है ऑलरेडी, तो मैंने जस्ट आपको गो थ्रू किया है इसके ये होते क्या है, इनकी आपको एक दफा रिवीजन करवा दिया, ये वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं और ये वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। ओके दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।